हेलो फ्रेंड्स, जानते हैं किडनी फेलियर के लक्षण, प्रकार और निदान के बारे में। फ्रेंड्स, गुर्दे जिन्हें अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सामान्यतः हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं, पर किसी किसी को जन्म से ही एक किडनी भी होती है। शरीर में एक स्वस्थ किडनी होने पर इंसान लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। किडनी हमारे शरीर में रक्त की सफाई का काम करती है और रक्त में मौजूद जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालती है। किडनी शरीर में पानी, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। शरीर में एसिड और क्षार का नियंत्रण करती हैं। शरीर में जब किडनी अपना रक्त प्योरिफिकेशन का काम ठीक से नहीं कर पाती हैं, तब शरीर में विषैले तत्वों का प्रमाण बढ़ने लगता है। इसी स्थिति को किडनी फेलियर या गुर्दे की खराबी कहा जाता है। जब किडनी की कार्य क्षमता किसी कारणवश कम हो जाती है और रक्त में सीरम, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, तब उस स्थिति को किडनी फेलियर हम कहते हैं। फ्रेंड्स, किडनी की कार्य क्षमता शरीर से अधिक होती है और किडनी में हल्की खराबी आने पर इसका पता रक्त जांच में नहीं चलता है। जब किडनी में 50% से अधिक खराबी आती है, तब ही सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया जांच से इसका पता लगता है। एक किडनी खराब होने से या किसी कारणवश एक किडनी निकाल देने से किडनी फेलियर नहीं होता, क्योंकि ऐसे में शरीर की दूसरी किडनी अपनी कार्य क्षमता बढ़ाकर कार्य करती है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और अब जान लेते हैं कि किडनी फेलियर के लक्षण क्या होते हैं। किडनी फेलियर के मुख्य लक्षण है भूख की कमी, जी मिचलाना, चेहरे पर सूजन होना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पेट के निचले हिस्से में किडनी या में दर्द होना, पैर के निचले हिस्सों में सूजन, शरीर में दर्द, खुजली, बार बार पेशाब में संक्रमण का होना, जलन होना, पेशाब करने में कठिनाई होना, याददाश्त में कमी होना। तो अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि किडनी खराबी के प्रकार कितने हैं, कितने तरह से ये होता है। फ्रेंड्स, ये किडनी फेलियर मुख्य तरह से दो प्रकार का होता है, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर को एक्यूट रीनल फेलियर या ARF भी कहा जाता है। इसमें किसी अन्य रोग के दुष्परिणाम के कारण दोनों किडनीज कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती हैं। उस रोग की चिकित्सा करने पर दोनों किडनीज फिर से पहले की तरह सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देती हैं और फिर कोई विशेष दवा या परहेज की जरूरत नहीं पड़ती। बेहद कम मरीजों को एक्यूट किडनी फेलियर में कुछ समय के लिए डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, क्रॉनिक किडनी फेलियर, इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD या क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कहा जाता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में दोनों किडनीज की कार्य क्षमता किसी अन्य रोगों के कारण महीनों और वर्षों में धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में दोनों किडनीज पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में रोगी का उपचार औषधि, खाने पीने में परहेज, नियमित परीक्षण द्वारा किया जाता है और चिकित्सा का उद्देश्य रहता है शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को नियंत्रित करना और डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट को टालना। फ्रेंड्स, क्रॉनिक किडनी फेलियर में स्थिति गंभीर होने पर रोगी को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में आयुर्वेदिक औषधि और परहेज का पालन कर रोगी को वर्षों तक जीवित रखा जा सकता है। तो जानते हैं किडनी की खराबी का निदान कैसे किया जाता है, इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, रोगी में किडनी फेलियर के लक्षण पाए जाने पर किडनी फेलियर का निदान करने के लिए कुछ विशेष जांच की जाती हैं। फ्रेंड्स, खून में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा जो होती है, एक एडल्ट में क्रिएटिनिन की मात्रा होती है 0.6 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से 1.2 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक, और सीरम यूरिया की जो मात्रा होती है वो 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसिलीटर तक रहती है। इससे अधिक रिपोर्ट आने पर किडनी की खराबी का पता चलता है। इसके साथ ही खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा, बाकी लक्षणों के साथ शरीर में खून की कमी किडनी फेलियर का संकेत हो सकती है। किडनी में खराबी आने से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कम निर्माण होता है, जिससे हीमोग्लोबिन में कमी आती है। फ्रेंड्स, पेशाब की जांच की जाती है। बार बार पेशाब में पस सेल्स का आना और पेशाब में प्रोटीन एल्ब्यूमिन का पॉजिटिव आना किडनी की खराबी को दर्शाता है। पेशाब में प्रोटीन अन्य कारणों से भी आ सकता है, पर रोगी में अन्य लक्षण के साथ पेशाब में प्रोटीन आना किडनी की बीमारी के बढ़ने के संकेत है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही सोनोग्राफी, किडनी की सोनोग्राफी कर किडनी की खराबी के कारण का पता लगा सकते हैं।
आमतौर पर किडनी फेलियर में किडनी का आकार कम होने लगता है और कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन खराब हो जाता है। सोनोग्राफी से पथरी पेशाब के रास्ते में अवरोध, किडनी में सिस्ट आदि का भी पता चलता है। अन्य जांच जो कराई जाती है वो है सीटी स्कैन, एमआरआई, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाना, लिपिड प्रोफाइल, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट आदि। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने किडनी फेलियर क्या है, इसके लक्षण, प्रकार, निदान से जुड़ी जानकारी संक्षिप्त में जानी है। अगले वीडियो में जानते हैं क्रिएटिनिन किडनी ब्लड टेस्ट के बारे में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।